कोरोना काल में ग्रामीण जनता की परेशानियों को देखते हुए अफजलपुर भाईपुर में एक छोटी शाखा बीसी सखी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को गांव के अंदर खोला गया, जिसकी सचिव फुलनाज बी ने बताया कि कोरोना काल में गांव की महिलाओं को पैसे निकालने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और घंटों लाइन में खड़े होकर वापस लौट आती थी। बीसी सखी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का उद्घाटन करने पहुंचे ब्लॉक प्रमुख ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि जो विकलांग उम्रदराज गरीब महिलाएं हैं, उन्हें अब पैसे निकालने 6 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा और जो भी ग्रामीण है इससे बिजली भुगतान या कहीं भी पैसे ट्रांसफर या निकाल सकते हैं। मुंडा पांडे में यह पहली बीसी सखी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को खोला गया है। उद्घाटन में विक्की ठाकुर, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, पप्पू लोधी, जय सिंह, शाहिद, गुलफिजा भी, कोषाध्यक्ष गुलनाज भी आदि मौजूद रही। सर, इसमें जो अभी कोरोना काल में पिछले इसमें तो जो ग्रामीण रूरल एरिया के लोग हैं बहुत परेशानी हुई थी, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बैंक थी वहाँ जाना पड़ता था। यहाँ योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए अभी से टीवी शुरुआत की थी, जिससे गाँव के लोगों को परेशानी नहीं हो, दूर जाना पड़ता। क्या परेशानी, मतलब किस तरह की परेशानी? जैसे कि सर विधवा पेंशन आती है तो वो वहाँ जाती थी इतनी देर लाइन में लगती, घर पर आने के बाद वहाँ जाती थी, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होती। क्या ये मुंडा पांडे क्षेत्र में या मुरादाबाद जिले में पहली बैंक खुली है आपके भाईपुर में, या इससे पहले भी इसका उद्घाटन हो चुका है? तो ये हमारी ग्राम पंचायत में तो ये पहली ही है। अच्छा, जैसे हमारी ग्राम पंचायत में एक बीसी से की है लेकिन वो दूसरे गाँव बीसी बैंक में तो रहे, वो दूसरे गाँव में। बिल वगैरह जैसे गांव के अंदर पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। अच्छा, गरीबों के लिए क्या सुविधाएं हैं इसमें? सर ये तो समूह के अंतर्गत जो महिलाएं हैं रोजगार दिया है, तो बीसी सखी प्रथमा बैंक की ब्रांच है यहाँ पे, हमारी गुड़िया ने यहाँ पे शुभारम्भ किया है, उसी के उद्घाटन में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सरकार की प्राथमिकता ये है कि लोगों को ज़्यादा दूर कैश के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, उनके घर पे ही कोई बिल जमा करने की सुविधाएं मिले, कैश ट्रांजेक्शन की 20,000 तक की लिमिट, जैसे बताया गया है कि 20,000 तक की लेन देन की सुविधा भी मिलेगी। तो ये सब सुविधाएँ एक मिनी बैंक टाइप में यहाँ पर शुरू किया गया है, उसी के उपलक्ष्य हमारा यहाँ आना हुआ है। अच्छा, क्या जिला मुरादाबाद के अलावा यहाँ पे जो आज ये पहली शाखा खुली है इसके जिला मुरादाबाद, इसके अलावा कोई खुली है? अभी जो है शुरुआत है, अभी धीरे धीरे और काफ़ी बच्चों जैसे बताया कि काफ़ी ब्रांच खुल गई हैं, लेकिन ये जो बच्चियों ने जो यहाँ पे मतलब महिला को दिया गया है, मेरे संज्ञान में पहला मामला है कि यहाँ पे बच्चियों ने शुरुआत की है। ठीक है सर, मुंडा पांडे में पहली शाखा ये आज खुली है। हाँ ठीक, और आज यहाँ आने का जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा है, वो हमारा यह संघ जो बैंक की ब्रांच यहाँ खुल रही है उसका उद्घाटन का है। मैं आपको बता दूं, सरकार हर गांव में बैंक खोल दे अभी ये संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हर जगह ऐसी शाखाएं खुल रही हैं जिससे जो गांव में बैंकों की परेशानियां हैं, लोगों को खाता बनवाने के लिए दूर जाना पड़ता है, पैसे के लिए दूर जाना पड़ता है, पेंशनों की दिक्कतें होती हैं, वो सारे काम आपको इस शाखा से उपलब्ध होंगे। और मैं चाहता हूँ इस गांव में जो सड़कें खराब हैं वो आप प्रस्ताव लिख के प्रधान जी को दीजिए, जो पूरी मदद संभव होगी प्रधान जी की और ब्लॉक के माध्यम से वो आप सबको कराई जाएगी, हम दिन रात आपकी सेवा में लगे रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ और आपको विश्वास भरोसा दिलाता हूँ कि जब आपको कोई परेशानी हो तो अपने भाई, अपने बच्चे, अपने भतीजे पर भरोसा रखने से याद करें।